हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल हाफ ईयरली असेसमेंट में फ्लैमिंगो और विस्टर्स की बुक से जितने भी चैप्टर्स आने हैं सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टू एंड थ्री मार्कर क्वेश्चन की डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट इट हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन वॉट हैड बीन अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड और वॉट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन और वाई वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोल्ड अ थंडर क्लैप बाय द नरेटर बाय फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पे सेंटेंस चाहे कोई भी हो लेकिन आंसर जो है सेम रहेगा आंसर इज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड पर बर्लिन से आया हुआ एक ऑर्डर लगाया गया था इट वॉज़ अबाउट द बैन ऑन द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ अल्स एंड लॉरन अब ये ऑर्डर किसके बारे में था कि एल्स और लॉरें के स्कूल्स में फ़्रेंच की टीचिंग नहीं होगी उस पर बैन लग गया था क्योंकि जर्मन भाषा के टीचिंग पर ही जो है अब ऑर्डर दिया गया था कि जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी वेन एम हेमल इन्फॉर्म क्लास अबाउट देयर लास्ट फ्रेंच लेसन इट सीम्ड टू बी अ थंडर क्लैप टू द पुअर बॉय फ्रेंड्स जब एम हेमल ने बताया क्लास को कि अरे आज तो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है तो ये बात जो है नरेटर को थंडर क्लैप की तरह प्रतीत हुई नेक्स्ट वाई डिड फ्रेंड्स नोट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे और वॉट टेम्प्टिड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल उस दिन फ्रेंड्स जो है स्कूल जाने के लिए वीलिंग नहीं था क्या कारण था आंसर इज फ्रेंड्स फीय दैट हिज टीचर एम हेमल वुड्स कोल्ड हिम फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स पहली बात तो उसने होमवर्क नहीं किया था लेसन ऑन पार्टिसिपल्स जो है होमवर्क पे मिला था टीचर ने उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने थे बट हमारे नरेटर ने ये काम किया ही नहीं था बिसाइड्स दिस द डे वॉज वेरी वॉर्म एंड ब्राइट द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द साइट ऑफ द मार्चिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर्स ऑल्सो टैम ड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल डे भी बहुत ही ब्राइट था बर्ड्स जो है चर्पिंग साउंड कर रहे थे और सोल्जर्स ट्रिलिंग कर रहे थे ओपन फील्ड में तो ये सारे साइट देखकर फ्रेंड्स का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था स्कूल में जाने का नेक्स्ट हाउ डज एम हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज और वॉट शोज एम हेमल्स लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज answer is Amheral says that the French language is the most beautiful, the clearest, and the most logical language in the world. ab dekho bahut hi simple sentences mein aapke liye sare answers frame kiye hain is video mein hum important twenty five questions की discussion करने वाले हैं। so stay connected। video को last तक जरूर देखिएगा। answer क्या है? कि Amheral को लगता है कि French language दुनिया की सबसे खूबसूरत, बिल्कुल clear और logical भाषा है। he urges all the village people and his students to guard the language and never forget it wo jo hai sare gaon walon se apne vidhyarthiyon se sab students ko bolte hain ki is bhasha ko jo hai protect karo isko bhulna mat kabhi bhi all these things show his love for the french language next question aa gaya hamare second number chapter lost spring stories of stolen childhood से। and the question is where had sahib and his family come from और what did sahib look for in the garbage टर्म्स साहिब और उसका परिवार कहाँ से आए थे कूड़े के ढेर में साहेब क्या देखता था आंसर इज़ साहिब एंड हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश बांग्लादेश से आए थे वो साहिब लुक्ड फॉर यूज़फुल आइटम्स इन द गार्बेज टर्म्स बिकॉज दीज आइटम्स कुड बी ट्रेडेड फॉर मनी कूड़े के ढेर में ढूंढता था वो कुछ यूजफुल चीज़ें जिनके बदले में उसको पैसा मिल सकता था तो इसीलिए गार्बेज जो है साहिब और साहिब जैसे दूसरे रैक पिकर्स के लिए बच्चों के लिए बिल्कुल गोल्ड की तरह ही था नेक्स्ट Is sahib happy working at the tea stall. Or how? Uh, or how is Sahib's life at the tea stall? आंसर इज़ साहिब गेट्स ए जॉब एट ए टी स्टॉल ही गेट्स एट हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ बट द राइटर फील्स दैट ही हैज़ लॉस्ड हिज केयर फ्री लुक अब साहिब को काम तो मिल गया है आठ सौ रुपये भी मिलते हैं लेकिन राइटर को लगता है कि अब उसकी आज़ादी छिन गई है केयर फ्री लुक जो है अब नहीं है अब वो टेंशन में दिखाई देता है एक बर्डन दिखाई देता है उसके ऊपर उसके हाथों में जो कैनिस्टर है वो उसकी नहीं है वो उसके मालिक की है एंड ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंशन दी हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास पेंगल इंडस्ट्री अब ग्लास पेंगल इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उन्हें डिनजी सेल्स में काम करना पड़ता है जहाँ पे लाइट नहीं है पानी नहीं है उन्हें ग्लास फर्नेस कांच की जो है भट्टियाँ हैं उनके पास काम करना पड़ता है इसका मतलब क्या हो गया हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है और इसका रिजल्ट क्या होता है दे लूज़ देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स Next question is taken from chapter number 3 Deep Water. And the question is What did Douglas experience when he went down to the bottom of the pool for the first time? Or describe the drowning experience of. डगलस जब जो है एक बिग बॉय ने उसको धक्का दे दिया था उठा के फेंक दिया था तो जो है डगलस का क्या एक्सपीरियंस था जब वो पूल के बॉटम की तरफ जा रहे थे आंसर इज़ डगलस फेल्ट दैट द वे डाउन द पूल वॉज नॉट नाइन फीट बट नाइन्टी अब देखो जो है पूल की गहराई कितनी थी नाइन फीट लेकिन जब राइटर जो है नीचे उनको फेंका गया जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि नौ no फीट नहीं बल्कि नब्बे फीट है इतना लॉन्ग वे हो गया था हिज़ लंग्स वैडी टू बर्स्ट he summoned all his strength and jumped up but he could not reach the surface he began to sink again उन्होंने सोचा था कि जैसे उनके feet जो है bottom को touch करेंगे वो पूरी power laga ke ऊपर की तरफ jump करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो surface की तरफ आ ही नहीं पाए बल्कि वो वापस doobne लग गए next क्वेश्चन नंबर एट वाई वॉज डगलस डिटर्मिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर डगलस ने पक्का डिसाइड कर लिया था कि ही हैज़ टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर क्यों उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था आंसर इज़ द फ़ियर ऑफ वाटर मेड द राइटर अनेबल टू इन्जॉय वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ अब वाटर बेस्ड जितने भी स्पोर्ट्स थे एक्टिविटीज़ थी उनसे जो है राइटर को डर लगने लग गया था क्योंकि ही हैज द फ़ियर ऑफ वाटर ही कुड नॉट इन्जॉय कैनोइंग बोटिंग फिशिंग स्विमिंग कुछ भी तो वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे ऐसा पानी से रिलेटेड स्पोर्ट्स uh, या एक्टिविटीज़ He wanted to regain his lost confidence. unko jo apna khoya hua vishwas wapis se pana tha So he was determined to get over his fear of water. Next question from the rat trap. From where does the paddler get the idea of the world being a rat trap? Or in what sense is the world a big rat trap according to the paddler? यानि कि rat trap के बारे में जो भी क्वेश्चन आ जाता है कि paddler को ये दुनिया rat trap क्यों लगती है? क्यों सोचता है वो ऐसा? आंसर इज़ वन डे द पैडलर इज़ स्ट्रक बाय एन आइडिया डेट द वर्ल्ड इज़ अ बिग रैड ट्रैप अब पैडलर का काम क्या था कि गलियों में इधर उधर घूमना एक वैगा बॉन्ड्री था वो कि पिंजरे लेकर जो है उसे बेचने हैं इधर उधर घूमता था वो तो एक दिन जो है उसके दिमाग में आइडिया आता है कि ये दुनिया भी एक बिग रैट ट्रैप है ऐसा क्यों सोचता है वो बिकॉज ही थिंक्स डैट रैड ट्रैप ऑफर्स चीज़ और मीट टू टैम्प्ट रैड्स उसे लगता है कि जैसे रेड ट्रैप में चीज़ या मीट लगा दिया जाता है चूहे को अटैम्प्ट करने के लिए उसको पिंजरे में आने के लिए जो है अट्रैक्ट करने के लिए सिमिलरली ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक रिचेज़ जॉयज़ फूड एंड शेल्टर सर्व ओनली एज बेड्स टू टैम्प्ट पीपल तो इसीलिए इस दुनिया में जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं चाहे वो पैसा है खुशी है फूड है शेल्टर है ये सारे भी बेट का काम करते हैं प्रलोभन का काम करते हैं और ये लोगों को अटैम्प्ट करते हैं एज सुन एज वन इज टैम्पटेड टू टच द बेट द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड गेट्स क्लोज एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड जैसे ही आ, कोई भी व्यक्ति इन प्रलोभन को टच करने की कोशिश करता है दुनिया का पिंजरा जो है बंद हो जाता है और हर चीज़ क्या है कम्स टू एन एंड ठीक है नेक्स्ट वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टोकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर क्रॉफ्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि उसका बिहेवियर कैसा था उसने जो थर्टी क्रॉनॉर्ट्स पैडलर को क्यों दिखा दिए थे ठीक है तो आंसर हमारा यही रहेगा एंड द आंसर इज द क्रॉफ्टर लिव्ड alone in इन हिज कॉटेज अब उसकी वाइफ नहीं थी बच्चे नहीं थे अकेला रहता था वो इसीलिए जब उसने पैडलर को देखा तो बड़ा हैप्पी हो गया कि चलो कोई तो मिला बातचीत करने के लिए सो ही वॉज टोकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर ही फेल प्राउड दैट ही हैड अर्न थर्टी एंड ही थॉट दैट द स्ट्रेंजर डिड नॉट बिलीव हिम उसे बड़ी जो है खुशी हो रही थी गर्व हो रहा था कि उसने तीस क्रोन और कमा लिए उसे लगा कि अरे यजन तो मान ही नहीं रहा कि मैंने तीस क्रोनर कमा रखे हैं सो ही शोड हिम द मनी नेक्स्ट वाई वॉज़ एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर एडला ने जब गिफ्ट देखा पैडलर जो उसके लिए छोड़ के गया था तो बड़ी खुश हुई थी कारण क्या था आंसर इज एडला फेल्ट शॉक टू लर्न दैट देयर गेस्ट वॉज एक्चुअली अ थीफ जब वो चर्च में गए तो एडला उसके फादर तो उन्हें पता लगा कि उनका गेस्ट जो है कोई और नहीं बल्कि एक चोर है बट शी फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी द स्टोल इन थर्टी क्रोनोर्स अट रैप एंड अ लेटर एज द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसे पैडलर की तरफ से गिफ्ट मिला जिसमें चोरी किए हुए थर्टी क्रोनोर्स से रेड रैप था एक लेटर था ये सब देख के जो है एडला को बड़ी खुशी हुई क्योंकि इन गिफ्ट से जो है उसने क्या रियलाइज किया कि द पैडलर वॉज अ चेंज्ड मैन नाउ हर काइंडर है गुडनेस अब देखो इस चैप्टर की थीम क्या थी कि हर इंसान के अंदर एसेंशियल गुडनेस होती है जिसको कि काइंड बिहेवियर से जो है बाहर निकाला जा सकता है हर व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सकता है तो एडला का जो काइंड बिहेवियर था इट है ट्रांसफॉर्म द पैडलर ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं इंडिगो से है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू यू थिंक गांधी जी द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ द चंपारण एपिसोड शोड दैट द पुअर प्रेजेंट्स वर नाउ फ्री फ्रॉम द फ़ियर ऑफ द ब्रिटिशर्स अब देखो गांधी जी जब चंपारण पहुँचे थे तो उनका जो है मेन मकसद क्या था सबसे पहले कि किसानों के दिल से अंग्रेजों का डर निकल जाए और चंपारण एपिसोड ने यह बात करके दिखा दी थी दे हैड वॉन अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड एक्सप्लोइटेशन एट देंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के हाथों जो उनका अन्याय हो रहा था शोषण हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने एक जंग लड़ी और वो उसको जीत चुके थे द तो चपारण एपिसोड प्रूव्ड फर्स्ट सक्सेसफुल सिविल मूवमेंट चंपारण की घटना पहला जो है सफल आ, सभी ने अवज्ञा आंदोलन साबित हुई थी इसीलिए गांधी जी को लगा कि ये उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था नेक्स्ट वाई डिड राजकुमार शुक्ला वॉन्ट टू टेक गांधी जी टू चंपारण शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण शुक्ला खुद ही जो है चंपारण के पुअर शेयर क्रॉपर्स में से एक थे वो चाहते थे कि गांधी जी चंपारण में आएं, उन किसानों की मिजरेबल कंडीशन को देखें और साथ ही साथ जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वो एक जंग लड़ें ही वॉन्टेड हिम टू फाइट द इनजस्टिस एंड एक्सप्लेटेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स नेक्स्ट वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थोट गांधी टू बी अनदर प्रेजेंट और हाउ वज गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस अब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर में पहुंचे थे शुक्ला के साथ अब प्रसाद के घर में प्रसाद जी के घर में जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे एज अ पुअर प्रेजेंट और इसके अलावा गांधी जी की जो वेशभूषा थी वो भी बड़ी सिंपल होती थी धोती पहने होते थे वो तो सो द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर प्रजेंट एंड अनटचेबल एंड दे डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल नेक्स्ट पोएट्री पर पहुंच गए हम वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून माई मदर एट सिक्सटी सिक्स इस पोएम से लिया गया क्वेश्चन आंसर है द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस ड्यू टू मिस्ट एंड फोक अब जो लेट विंटर का मून होता है उसकी चमक जो है नहीं होती है रेडियंस खत्म हो जाती है उसकी मिस्ट और फोक की वजह से उसी तरीके से पोएट की मदर का फेस है वो भी डल कलरलेस लगता है ड्यू टू हर ओल्ड एज दैट इज़ वाई द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू द लेट विंटर्स मून नेक्स्ट वॉट डू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई पोएट जो है जब अपनी माँ से दूर जा रही हैं तो उनके पार्टिंग वर्ड्स थे सी यू सून अम्मा अब उनके पार्टिंग वर्ड्स और दूसरा वो स्माइल किए जा रही थी तो ये दोनों चीज़ें क्या दिखाती हैं किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं आंसर इज द पोएट फील्स दैट शी मे लूज़ हर मदर बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज ठीक है is, ये उनके मन का डर था बट हर पार्टिंग वर्ड्स सी यू सोन अम्मा एंड हर स्माइल शो होप एंड अश्योरेंस और ये आशा ये जो है अश्योरेंस केवल उनके लिए नहीं है बल्कि वो अपनी माँ को भी आश्वस्त करना चाहती हैं कि वो जो है फ्यूचर में मिलेंगे नेक्स्ट What will counting up to twelve and keeping still help us achieve? Or why does Pablo Neruda want us to count till twelve and keep still? Counting जो है twelve तक करने का या चुपचाप बैठने का उससे हमें क्या फायदा होगा क्या मिलेगा? Answer is the poet wants us to count till twelve and keep still. He wants us to have some time for introspection. वो क्यों चाह रहे हैं ऐसा ताकि हम introspection के लिए time निकालें और अगर introspection कर लिया तो हमें क्या फायदा होगा? It will help us change our थॉटलेस डिस्ट्रक्टिव वेज पोएम में हम पढ़ते हैं कि फ़िशरमैन है वो भी जो अपने एक्शन के बारे में सोचेगा कि क्यों वो जो है फिश पकड़ रहा है सोल्ड गैदर है वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान जो है हम डिस्ट्रक्टिव वेज़ में लगे हुए हैं डिस्ट्रक्टिव एक्शंस में लगे हुए हैं विदाउट एनी थॉट वो हम सोचेंगे इंट्रोस्पेक्शन के बाद कि हमारे सभी कामों का जो है पर्पज़ क्या है इट विल मेक अस फील द बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस हम एक अजीब सी टुगेदरनेस महसूस करेंगे और सभी लोगों में भाईचारे की भावना भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो दीज आर थिंग्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी आंसर इज द पोएट सेज दैट होपलेसनेस फ्रस्ट्रेशन एंड बिकम ए पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ पोएम में हम देखते हैं बात होती है इन स्पाइट ऑफ रिस्पोंडेंस और इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ठीक है तो उस लाइन पर बेस्ड होगा ये हमारा आंसर पोइट कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ में होपलेसनेस निराशा फ्रस्ट्रेशन उदासी ग्लूम सैडनेस ये सारे जो है एक हिस्सा बन गए हैं वी आर फॉलोइंग अनहेल्थी एंड विकिड पाथ लिविंग बिहाइंड ऑल नॉबल क्वालिटीज़ हम सारे अच्छे गुणों को छोड़ के गलत तरीक़ों पर चल रहे हैं एंड ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स कोज सफरिंग एंड पेन नेक्स्ट वट वॉज द प्ली ऑफ द हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड लगाने वाले लोगों का क्या तर्क था द रोड साइड स्टैंड पीपल वर सेलिंग वाइल्ड बैरीज एंड गोल्डन स्क्वाश अब वे लोग जो है बेच रहे थे वाइल्ड बैरीज और स्कोश वे तो ये चाहते थे कि जो भी गाड़ी यहाँ से जा रही हैं जो भी पासर्स बाएँ हैं वो रुकें उनसे सामान खरीदें ताकि क्या है उनको बदले में कुछ पैसा मिल सके दे वॉन्टिड टू फील द सिटी मनी इन देअर हैंड दिस मनी वुड हेल्प दैम टू मेक देयर मिज़रेबल लाइफ बेटर टू समस्टेंट अगर सिटी मनी उनके हाथों में आ जाता है तो उनकी मिजरेबल लाइफ कुछ हद तक जो है इम्प्रूव होगी ठीक होगी नेक्स्ट अब आ गई है विस्टर्स की बुक और लेसन है द थर्ड लेवल एंड द क्वेश्चन इज हाउ डिड चार्ली असरटेन दैट ही हैड रीच्ड द 1894 वर्ल्ड और व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल क्या चीज़ें थी जिनको देख के उसे पक्का विश्वास हो गया था कि वो तो 1894 की दुनिया में पहुंच गया है या फिर उसने थर्ड लेवल पर क्या देखा आंसर इज चार्ली ऑब्जर्व्ड डिम गैस लैम्प्स ब्रास पिटून्स ओल्ड स्टाइल्ड क्लोदिंग ऑफ मैन एंड वेमन स्ट्रिंग वॉचिज एंड अ न्यूज़ पेपर द वल्ड एट दर्ड लेवल एंड ऑल दीज थिंग्स मेड इम श्योर डेट ही हैड रीच्ड द 1894 वर्ल्ड तो थर्ड लेवल पे डिम गैस लैम्प थे ब्रास के किसपीटून्स थे लोगों का जो है ड्रेस सेंस बिल्कुल अलग था और स्पेशली उसने जो है 1894 के टाइम का एक न्यूज़पेपर द वर्ल्ड भी देखा इन सारी चीज़ों से प्रूव हो गया कि वो गेल्सबर्ग में पहुंच गया था 1894 की दुनिया में पहुंच गया था next what does the third level refer to abdikok grand central station pakewal dohi level these are uh, level to tha hi answer is the third level refers to another level at the grand central station which does not exist in reality and when charlie mentions his visit to the third level to his friend sam he considers it as his imagination एंड एज ए रिजल्ट ऑफ़ द टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म क्या कहता है कि तुम्हारी कल्पना है या फिर तुम एस्केपिस्ट हो तभी तुम्हें थर्ड लेवल जो है दिखाई दे रहा तुम वहाँ पर गए हो ही टेल्स हिम दैट इट वॉज हिज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टाइगर किंग वाई वॉज द महाराजा सो एंशियस टू किल द हंडर्थ टाइगर महाराजा जो है बहुत ही वरीर थे सोव टाइगर को मारने के लिए क्यों अब देखो एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको वॉर्न कर दिया था कि सोव टाइगर के हंटिंग के टाइम जो है ना बड़े केयरफुल रहना तो बड़े एंशियस थे क्योंकि अगर सोवा टाइगर मर गया तो इसका मतलब क्या है उनकी लाइफ जो है बच जाएगी गारंटी हो जाएगी कि हाँ कि अब वो लाइफ अच्छे से जी सकता है ठीक है सो ही वॉज वेरी एंशियस टू किल द दंडर्थ टाइगर टू इंश्योर हिज सेफ्टी

आंसर इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर्स एंड ग्लोबल वार्मिंग दीज आर द रियल थ्रेट्स टू ह्यूमन लाइफ ठीक है सबसे पहले हमने बता दिया कि कि रियल थ्रेट क्या है इस चैप्टर में हमें पता लगता है आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गया है बट राइटर क्या कह रही हैं दे हैव बीन क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स ओनली हम इंसानों का ही किया धरा है ये मैन क्रिएटिड फैक्टर्स लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लीडिंग टू और रिजल्टिंग इन लिमिटेड रिसोर्सिस आर क्रिएटिंग ऑन दी अर्थ अब इंसान ने बनाई है फैक्टर्स कि जो है वो नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जनसंख्या बढ़ रही है रिसोर्सिस कम हो रहे हैं इन सारी बातों से धरती पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज वट वॉज डॉक्टर सडाउस फादर ड्रीम फॉर हिम एंड हाउ डिड सडाओ रियलाइज इट answer is dr sadao's father was a true patriot and traditional man he wanted to give his son the best education so he sent sadao to america to study surgery and medicine or sadao nevi pura kaisapura tha by working hard and becoming a famous surgeon as well as a scientist and here comes the last question of the video what did dr Sadao and his wife do with the white man or how did dr Sadao and his wife help the white man अब देखो सबसे पहली बात तो वो उसको अपने घर pe लेके आए फिर डॉक्टर सडाओ ने उसका ऑपरेशन किया गोली निकाली उसकी ज़िंदगी बचाई और हन ने सारे ऊन जो है वॉश किए उसको सर्व किया स्पेशली किस कंडीशन में जब उनके सारे नौकरों ने मना कर दिया था और फाइनली डॉक्टर सडाव ने वाइट मैन को सेफली स्केप करने में भी हेल्प की थी तो यहीं पे हमारी हाफ असेसमेंट के इम्पोर्टेंट टू एंड थ्री मार्कर क्वेश्चंस की डिस्कशन खत्म होती है स्टे कनेक्टेड एनुअल एग्जाम तक हम मिलकर ऐसे तैयारी करते रहेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो